उठो टाटिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टाटिया तो मौत के लिए नहीं उठता, तुम चीज क्या हो जेलर? जो कुछ कहना है नजरें मिला के कहो, बुसिलों की तरह कतराओ मत। असंभवानी की जेलर, टाटिया को बुजदिल कहने वाला जिंदा नहीं बचा आज तक। हर मुजरिम बुजदिल ही होता है टाटिया, क्योंकि कायरता जुर्म की मां है। लंबे खड़े होकर बहुत लंबी हाँक रहे हो जेलर, नजदीक आओ। खाना खा लो टाटिया। टाटिया दुश्मन का नमक नहीं खाता। कब तक नहीं खाओगे? मेरा एक उसूल है जेलर, जिस रसोईये की नियत पे मुझे भरोसा ना हो मैं वहां कुछ नहीं खाता। अब तो सोचा है घर ही जाके रोटी खाऊंगा। बहुत देर लगेगी टाटिया, मीलों में तुम्हारे घर का फासला शायद कम हो लेकिन दिनों में बहुत है। 3,650 दिन और सालों में पूरे 10 साल। मेरा हिसाब किताब तो बड़ा अच्छा किया तुमने जेलर, तुम्हारा हिसाब किताब मैं करूंगा, क्योंकि कोई भी जेल टाटिया को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जेल में जो भी कैदी आया है वो अपनी सजा काटे बगैर यहां से बाहर नहीं जा सका। ये लोहा और ये पत्थर जिन पर तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा है जेलर, ये मेरे बचपन के साथी। पत्थरों पे मैं सोता रहा हूं, पत्थरों पर, और लोहे के साथ खेलता रहा। मैं देखूंगा कौन रोकेगा मुझे। मैं बेजान चीजों पर भरोसा नहीं करता टाटिया। मेरा इरादा और मेरे हाथ जुर्म की सजा खत्म हुए बिना तुम्हें यहां से हिलने भी नहीं देंगे। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम खाना खा लो। मैं कह चुका हूं जेलर कि मैं घटिया खाना कभी नहीं खाता। अनाज की तोहिन करने वाले कुत्ते, तू इसकी कीमत नहीं जानता क्योंकि तूने इसे हमेशा जुर्म से कमाया है। शराफत और ईमान के दायरे में दो वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान ने तारीखें बदल दी हैं, लड़ाइयां जीती और हारी हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दिया है। सारी जिंदगी की बुनियाद दो वक्त की रोटी है, इसकी तोहिन करके तूने अपनी ताकत का नहीं अपनी जहालत का नमूना पेश किया है। तुझे छीन कर खाने की आदत है ना टाटिया, कभी मेहनत की खाकर देख, तब तुझे इसकी कीमत मालूम होगी। मैं यहां तेरा भाषण सुनने नहीं आया हूं, मैं आराम करने आया हूं। आराम तेरे लिए हराम है, तुझे अपना फर्ज अदा कर, जा जा। तो तुझे खिलाना भी मेरे फर्ज में शामिल है और मैं अपना फर्ज किसी भी हालत में पूरा करूंगा। खाओ। नहीं नहीं, खाओ खाओ। आओ विजय, ये क्या है? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? लेकिन क्यों? टाटिया भील के जेल से भाग जाने के बाद मैं जेलर की कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हूं।
लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? पहली बार कोई कैदी मेरी जेल तोड़ के भागने में कामयाब हुआ है। ये मेरी नाकाबिलियत और नालायकी का सबूत है, इसलिए मैं इस्तीफे के साथ साथ ये मेडल्स भी वापस करता हूं। ये मेडल्स तुम्हारी काबिलियत और बहादुरी के लिए तुम्हें मिले हैं, इन्हें वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं। सर, जब तक मैं टाटिया बिल को गिरफ्तार करके वापस इस जेल में बंद न कर दूं, इन मेडल्स का मैं हकदार नहीं। टाटिया को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, हमारे डिपार्टमेंट का नहीं। तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी इज्जत का सवाल है सर, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। ओके विजय, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारा यह फैसला आईजी साहब तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। जग्गा मेरे भाई, जो काम तुमने किया है वो अपनी मिसाल आप है, मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूं। और टाटिया, ये है साले वो दोनों कबूतर जिन्होंने तुम्हारी मौत के परवाने पर दस्तखत किए थे। कबे, इनाम की रकम के साथ क्या किया था? रंडी नचवाई थी? नहीं सरकार। बोतल खोली थी? नहीं। दाद तेरी ऐसी तैसी, जब तुझे पैसे का इस्तेमाल नहीं आता तो इतनी थोड़ी सी रकम कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली थी? क्या है चंदू, तू तो हमारे टुकड़ों पे पलने वाला पालतू कुत्ता था ना? मुझे माफ कर दीजिए। तूने अपनी खाल क्यों बदल ली रे? मुझे माफ। अपने अंधाता की पीठ में गोली मारने के लिए क्या दे रहे थे तुझे, चांदी के चंद सिक्के? देख, तेरी और इसकी जिंदगी इस ग्लास में है, ये मैं खत्म करूंगा, उसके बाद इसे हवा में उछाल दूंगा, और ये जब जमीन के गिरेगा ना तो दो गोलियां चलेंगी तुम दोनों के जिस्म में। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। निहाल सिंह, thank you।
से छूट जाऊंगी मैं, देखना हाथ से छूट जाऊंगी मैं, आईने की तरह टूट जाऊंगी मैं अगर प्यार में रूठ जाऊं, मैं अगर प्यार में रूठ जाऊं, तुम मनाने की कोशिश न करना, भाई को सताने की पुरानी आदत नहीं गई ना? पम्मी, अच्छा तो यहां छुपी हुई है, चल निकल निकल, देखते ले क्या लाया हूं। अरे तू बोलती क्यों नहीं, चल निकल। पमी, हे पमी, क्या बात है? हे पमी, पमी, Thank you.
बहुत अच्छा सोना है, ऊंचे पाए की कारीगरी का नमूना है। आजकल तो ऐसी बालियां देखने को नहीं मिलती। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये कब और कहां बनी है? इसकी बनावट तो बहुत पुरानी है, आजकल तो लोग ऐसा जेवर बनवाते ही नहीं। इस इलाके में नहीं, लेकिन उत्तर देश की तरफ ठाकुर जमींदार लोग ऐसी बालियां पहना करते थे। ठाकुर टांटिया जेल से भागेगा तो हंगामा तो होगा ही। अखबारों ने भी हाहाकार मचा रखा है, पुलिस चारों तरफ से तहकीकात कर रही है जग्गा। अरे ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ठाकुर हमारी गोलियां बारूद और बंदूकों का क्या हुआ? इंतजाम होते ही बालम टांगे वाला उसी पुरानी जगह पे सामान लेकर आ जाएगा। अच्छा ठाकुर, बहुत दिनों से तुम्हारा मुखबर कोई खबर नहीं लाया। अरे मुखबर को मारो गोली जग्गा, जो खबर हम तुम्हें देने वाले हैं वो तुम सुनोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा, रामगढ़ के जमींदार की बेटी की शादी रायपुर के रईस के बेटे के साथ होने वाली है। हीरे जवाहरात तो मिलेंगे ही, लेकिन जमींदार की जो बेटी है ना वो खुद एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसका चर्चा पूरे इलाके में है। डोली आज से ठीक 3 दिन के बाद उठने वाली है। होता रहेगा, कब तक हमारी मां बहनों के सुहाग लूटते रहेंगे और पुलिस क्या यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? आप लोग खामोखा बिगड़ रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत जल्द हम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। हम जब भी आपके पास आते हैं आप यही कहके हमें तसल्ली दे देते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। फिर से कोई ना कोई वारदात हो जाती है इंस्पेक्टर साहब। वारदातें तो तब तक होती रहेंगी शक्ति सिंह जब तक आप लोग डाकुओं की मदद करते रहेंगे। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला है कि गांव के कुछ लोग डाकुओं से जरूर मिले हुए हैं, और यही वजह है कि डाकुओं को ठीक वक्त पर सब खबर मिल जाती है कि गांव में कब कहां और क्या हो रहा है। एसपी साहब, ये इल्जाम गलत है, हमने हमेशा कानून और पुलिस की मदद की है। मैं जानता हूं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिम अब कानून के हाथों ज्यादा देर नहीं बच सकता।
चाहे जुर्म और कानून की लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन जीत कानून की होती है। जरा गाड़ी तो रोकना, गाड़ी जरा पीछे लो। गंगाराम पानी लाना। कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? बोलो। जिसकी कोई मंजिल ही नहीं उसे रास्ते की क्या खबर, जब तक मर नहीं जाती चलती ही रहूंगी। सुनो, मेहंदी लगी है, चेहरे पे धूल जमी है, बताओ तुम हो कौन? दुल्हन थी, अभागन बन गई, किस्मत ने सब कुछ लूट लिया। कहीं तुम वो तो नहीं जिसकी बारात पर कुछ दिन पहले डाकुओं ने हमला किया था? अब तो अपनों ने भी मजबूरी को दोष बना दिया है, सारी नजरें बदल गईं, सब दरवाजे बंद हो गए, सारे रिश्ते जल गए। जिसका इस दुनिया में कोई ना हो वो जीकर भी क्या करेगी? इतना निराश नहीं होते, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरे साथ चलो, तुम्हें अपनों ने ठुकरा दिया है तो किसी गैर को अपना समझो। मां तो मैं हूं ही, अब बेटी कहने का हक मुझे दे दो। मां, बेटी, मां, जिंदगी की जरूरत क्या होती है, सिर्फ दो वक्त की रोटी यही ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे भी इज्जत से मिलती रहेगी। आओ बेटी, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो,
तेरी थकान भी दूर हो जाएगी। तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। माँ, अरे ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। आपकी बेटी? हाँ, ये है मेरी बेटी शायद। जन्म लिया था बेटी बनकर और जवान होते होते बेटा बन गए। हर बात में मर्दानापन है। ये मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है बेटा। शक्ति, तुम्हारी मिश्री की डली आ गई। आज इस नटखट से एक छोटा सा नाटक कर ही देते हैं। ला 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 ला। गुले गुलजार, गुले बंधु, गुले शंपा। हा 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 हा, तुम्हारी जुल्फ क्या है कि रात के लंबे साए हैं। तुम जो सर मुंडवा दो तो सवेरा हो जाए। शट अप। ए, अगर 24 घंटे इस शहद की मक्खी को अपने साथ चिपका के रखोगी तो तुम्हारे इस चाहने वाले का क्या होगा? क्या कहा, जरा फिर से तो कहना।
गुस्से में तुम बिल्कुल बताशा लगती हो। और जिसने इस लंगूर के बच्चे को पैदा किया है उसकी माँ का नाम शक्करकंदी है क्या? ए, ज्यादा बकवास करोगी ना तो तुम्हारे घोड़े की लगाम निकाल कर तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। ये तो कोई मर्द ही कर सकता है, तू नहीं। अरे जाने बाहर, आंखें खोल कर देखो, तुम्हारे सामने मर्द ही तो खड़ा है। अरे तुम्हारी ये अदा भी हमें बहुत अच्छी लगती है। हट साला, जाने बाहर। ये तो भरे बाजार में बेइज्जती कर गई ठाकुर। बहुत महंगी पड़ेगी उसे ये हरकत। कहो तो उठवा ले चले साली को। हाँ नहीं, उसकी बग्गी के घोड़े को शराब पिला दूं। ठीक है, हम बोला तो गोदाम में माल आ गया है, आज ही ट्रक भिजवा के मंगवा लेना। अरे सुनो तो, ये अपनी माँ को दे देना पैसे, मैं चलती हूँ। हेलो। आपका घोड़ा नशे में है, शायद शराब पी रखी है इसने। अगली बार अगर इसे शराब पिलाएं तो घर वापस पैदल जाइएगा। मेरे जैसा आसपास ना मिला तो जान के लाले पड़ जाएंगे, समझी? छोड़ दिया। मैंने ही दिए थे तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए, और मैंने ही तुम्हारे कमरे में सोने के लिए कहा था। मगर क्यों, कौन है ये? ये गंगा है, बेचारी मुसीबत की मारी। कुछ दिन पहले जो डाकुओं ने बारात लूटी थी, उस बारात की दुल्हन यही थी।
उस एक दुर्घटना ने रिश्तों के तमाम धागे तोड़ दिए और आज मेरा कोई परिचय नहीं रहा। बहन बहन जान बच गई थी, उसे खत्म करने जा रही थी और मैं समझा बुझा कर इसे यहां ले आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया माँ। यूं छोटा दिल नहीं करते गंगा, मेरी माँ ने तुम्हें बेटी बनाया तो मैं तुम्हारी बहन हुई। ये तुम्हारा बड़ापन है बहन, वरना मैं काबिल कहाँ। ऐसी बातें नहीं करते, अभी हंसो हंसो भी। बालम, खाने से पहले एक बात सोच लेना, आज हम पैसे नगद लेंगे तुमसे। हाँ कसम पिछले जन्म की, अरे हम कोनो जन्म में कोई का उधार नहीं किए हैं, नगद ही देते रहे हैं। अरे हमरे पिछले जन्म का कोई यकीन ही नहीं करता है। अरे पिछले जन्म में ई होटल के मालिक हम थे। अरे ये तो ससुरा बाप है ना, जो बैठा गुड़गुड़ी गुड़गुड़ा रहा है, पिछले जन्म में हमरा बिटवा रहा, नालायक बिटवा। और ए रंगीली, हमरा तोरा बड़ा प्यारा रिश्ता था। क्या रिश्ता था रे? रिश्ता विश्ता गया भाड़ में, लेकिन आज मैं तुझसे नगद पैसे लूंगी, नगद। भाड़ में रिश्ता रहा? हाँ, अरे वो ग्राहक बुला रहा है, पैसे देंगे, खाना खाएंगे तो देंगे ना, पैसे होंगे तो देंगे ना। गाड़ी आने का वक्त हो गया है और बालम खाना खा रहा है। खाना? खाना तो वो तब खाएगा कुंदन, जब हम चाहेंगे। चक्कुओं की बारात, कसम पिछले जन्म की, ये कौन ससुर यमदूत है जो हमका भूखे पेट ही अगले जन्म में भेजे चाहत है। तुम फिर तुम मैं। हाँ मैं, अरे तोरी हाँ में हाँ मिलाए के गेहूं के साथ ही घुन भी पीस गवा। अरे तोरी खातिर 6 महीने जेल की चक्की हमको पीसत रही, अब कौन से दलदल में धकेले के आए हो धकेलू। खड़े होकर अदब से पूछो कि क्या हुक्म है ठाकुर। देखो हम ठाकुर के गुलाम नहीं है, हम गुलाम के ठाकुर हैं। हमारी गर्दन झुक तो सकते है लेकिन कट नहीं सकते। आलम के बच्चे, बच्चे अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो ये गर्दन कट भी सकती है और झुक भी सकती है। अरे ऐसी डंडी हम बहुत देखे हैं। अरे तलवार में से म्यान निकल आई। नहीं, म्यान में से तलवार निकल आई तो इसे म्यान में डाल दो, म्यान में डाल दो। नहीं, हम इसे तुम्हारी गर्दन पे रखेंगे। रख दो मगर चलाओ मत ठाकुर, कसम पिछले जन्म की। जन्म की नहीं, कर्म की बात करो। कर्म की बात करो। क्या करेगा है? 2 बजे की गाड़ी से हमारा माल आ रहा है। आन दो। उसे अपने टांगे पे डालकर डालकर वहीं छोड़ो जहाँ पहले छोड़ा था। छोड़ देंगे मगर अभी हमका तो छोड़ दो। छूट गए रे। लो एक और आ गया शेर को सवा शेर। ठाकुर की शान में गुस्ताखी? यहाँ आने से पहले शायद इसने शक्ति सिंह का नाम नहीं सुना। क्यों?
लगता है काफी दिनों से भूखा है। खाने दो बेचारे को, खा ले बाप का माल समझ के खा ले, क्योंकि बेटे ये तेरी जिंदगी की आखिरी खुराक है। कोई चाकू वाला डाकू है, हमसे क्या मुकाबला करेगा? ढूंढ के रख देंगे पट्टे को। बेचारा इस कदर डर गया है कि इधर देखता ही नहीं। अपनी मौत की तरफ देखना किस पट्टे को अच्छा लगता है। आजा, आजा, आजा। खाना खाते वक्त मुझे बोलने की आदत नहीं है। हाँ, अब बोलो, क्या कर रहे थे आप? हाँ, याद आया। खरबूजा, छुरी, ठाकुर का नाम, शक्ति सिंह की शान, जिंदगी की आखिरी खुराक, भूख, डर और मौत, यही कह रहे थे ना? समझ गया मैं, कुत्तों की भाषा मैं समझ लेता हूं। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? मैं तुम सबका बाप हूं। बाप, हमारा बाप। तुम्हारे कुत्तों को सिर्फ भौंकने की आदत है, काटते नहीं है। इसे कहते हैं फॉर्मूला नंबर 420। मजा आया? फॉर्मूला नंबर 840। मजा आया? बोलो। नहीं आया। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कम ऑन बॉय, कम ऑन। Thank you again.
अपनी जगह से। आ गया हमारा सागिर्द, देखा? हाँ, खबरदार, हमारा सागिर्द आ गया। का शेर ने गीदड़ को पछाड़ा है। अरे शक्ति सिंह की सारी शक्ति झाड़ के रख दी, चारों खाने चित्त कर दिया ससुर को। अंदर पड़ा ससुर डकरा रहा है। हाय हाय, सरकार बैठिए ना, टांगे में बैठिए ना। अच्छा तो ये टांगा तुम्हारा? हमारा है सरकार, अब तो हम आपके हैं। ये टांगा आपका है, ये घोड़ा आपका है, आपको जाना कहाँ है? बस डेपो के सामने सराय है, है? वहाँ पर। अरे अभी तांगे को सरपट किए देते हैं। चल तूफान मेल दिखा दे खेल। हम तो आपको देखते ही पहचान गए थे कि आप परदेसी हैं। फिर हम सोचे कि अगर आप परदेसी हैं तो आपका बिस्तरा बोरिया कहाँ है? फिर आपने बताया कि आप तो सराय में ठहरे हुए हैं। फिर हमको ख्याल आया कि आप सराय में ठहरे हैं तो ढाबे में खाना खाने क्यों आए? फिर हमको ख्याल आया कि सराय में तो खाना मिलता ही नहीं है, ससुर सब खाना खाए वास्ते ढाबे में आते हैं। उल्लू तुम क्या सुन रहे हो, चलो अपना रास्ता नापो। आपको देखकर ठिठक गया है, नया चेहरा है ना साहब? यहाँ नया चेहरा आजकल आता ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ डाकुओं का राज है ना। पर हम खानदानी आदमी है, ये तो लोग प्यार से हमको बालम तांगे वाला कहते हैं। हमारा नाम है बाल मुकुंद बलवंत सिंह महारथी। अब आप पूछेंगे कि महारथी का है? अरे साहब यही तांगा एक जमाने में महा महा महारथ था। इसके आगे 20 घोड़े लगा करते थे, मगर जन्म जन्म के फेरों के चक्कर में 20 घोड़े घिस गए और यक्का रह गया। समझ गया? अब आप पूछेंगे यक्का कैसे रह गया, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। और इतिहास बस, है? बस, 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 बस। एक बात पूछो। अरे साहब एक का एक डजन बात पूछो, अभी तो बात स्टार्ट हुआ है। तुमने टांटिया भील का नाम सुना है? नहीं नहीं, उठने की जरूरत नहीं, लेटे रहो। दुर्घटना के बारे में गंगा ने मुझे सब कुछ बताया, इसलिए देखने चली आई। ये मेरी बेटी शालू है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? जी मेरा नाम विजय है। इस बस डिपो के सामने जो सराय है मैं वहां ठहरा हूं, कुछ दिन ठहरने का इरादा है। जब तक तुम अच्छे नहीं हो जाते यहां से नहीं जाओगे, इसे अपना ही घर समझो। शालू बेटे जी, तुम मार्केट चली जाओ और सराय से इनका सामान ले आओ। अच्छा माँ जी। जी मेरी वजह से आप लोग क्यों खामखा तकलीफ उठा रहे हैं? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं, गंगा मेरी बेटी की तरह है, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। अच्छा मैं चलती हूँ। जिसकी जान बचाता है उसे कैसे भूल सकता है? आप भी बड़े अजीब आदमी हैं। आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा? आपका नाम क्या है? शंकर। शंकर, मेरा नाम शालिनी है। सुनिए तो, आप मुझे
शालू कह सकते हैं क्योंकि प्यार से लोग मुझे शालू कहते हैं। मैं भी कैसे पागल हूँ, आपको धन्यवाद नहीं दिया। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पास ही के गांव में रहती हूँ, कौशल्या देवी की बेटी हूँ, ऊपर से सुंदर हूँ, इसीलिए आसपास के नौजवान मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरा दिल जीतने की कोशिश करते रहते हैं। अभी उसी दिन की बात देख लीजिए ना। मैं जानता हूँ, माँ ने कहा था जिसने तुम्हारी जान बचाई उसे घर जरूर लेकर आना। ये रास्ता सीधा मेरे घर की तरफ जाता है। ये रास्ता वहाँ भी जाता है जहाँ मैं रहता हूँ। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी, आपने अपना समझकर ही मुझे बोला है। जब अपना समझा है तो ये भी बताइए कि आपके घर में कौन कौन है। कोई नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो शादी भी नहीं हुई होगी। अगर घर नहीं चलते तो ये बताइए कि आप इन उजाड़ राहों में क्यों घूमते फिरते हैं। मैं अपना राज गैरों को नहीं बताता। गैर? अब मैं गैर कहाँ से रही, आप तो मेरी जान बचाकर मेरी जान बन चुके हैं। हाय, चला गया। सच्चे मन से की हुई सेवा का असर पहली बार देखा है मैंने। दुनिया की कोई भी दवा जिन जख्मों को 10 दिन से पहले नहीं भर सकती वो बस 4 ही दिन में भर गए। जादू कहाँ है, मन में या हाथों में? हम तो सीधे साधे लोग हैं, जादू कहाँ आता है हमें। अगर आप लोग न मिलते तो पता नहीं मेरा क्या होता। हम लोगों से मिलकर आप खुश हैं, ये बात सच नहीं लगती मुझे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं अभी तक। बताया तो था, मेरा नाम विजय है। नाम क्या इंसान के बारे में सब कुछ बता देता है। आप कहाँ से आए हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, भांजे भतीजे, बीवी साली। कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगने लगा है अब मैं अकेला नहीं रहा। यहाँ की हर चीज इतनी खूबसूरत है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जी चाहता है यहीं बस जाऊं मैं सदा के लिए। लेकिन लेकिन क्या, बस जाइए ना, किसी ने मना किया है क्या आपको? माँ जी ने तो कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं जिस काम के लिए निकला हूँ वो अभी मुझे पूरा करना है। ऐसा कौन सा काम है जो आप यहाँ नहीं कर सकते? मैं किसी की तलाश में हूँ गंगा, जब तक मैं उस कुत्ते को ढूंढ नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं रह सकूंगा। वो है कौन जिसकी तलाश ने आपको इतना बेचैन कर रखा है? कुछ बातें ऐसी होती हैं गंगा जो अपने तक ही रखी जाती हैं, वक्त आने पर खुद ब खुद तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक बात कहूं विजय बाबू? कहो। खुशियां अगर बांटने से बढ़ती हैं तो गम बांटने से कम होते हैं।
जो बात तुम अधूरी छोड़ के चले आए थे उसे पूरी करने के लिए मुझे यहां आना पड़ा। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता तो? अगर तुम सचमुच ऐसा कहोगे तो शराफत के नाते मुझे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। एक बात बताओ, टाटिया भील की तस्वीर देखकर तुम्हारा चेहरा सुर्ख क्यों हो गया था? तुमने अपनी जेब से कोई चीज निकालकर टाटिया भील की तस्वीर से मिलाई थी, क्या थी वो? और टाटिया भील से तुम्हारा क्या वास्ता है? ये सब तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम शायद टाटिया भील को अच्छी तरह जानते नहीं हो। वो एक बहुत ही खतरनाक डाकू है। इंसान का खून उसके लिए होली के रंग के बराबर है, और न जाने वो दिन में कितनी बार होली खेलता है। वो अभी अभी जेल से भागा है। तुम शिकारी हो कहीं, इनाम के लालच में तुम। रुपयों की मुझे परवाह नहीं, मुझे टांटिया चाहिए। उसकी गर्दन पे रखा हुआ जो इनाम वो नहीं। अपने तजुर्बे के बिना पर तुम्हें आगाह कर देना मैं अपना फर्ज समझता हूं। शेर, चीते, हाथी, रीछ, हो सकता है तुमने बहुत से खतरनाक जानवरों का शिकार किया हो, लेकिन दो पांव का ये जानवर टांटिया भील इन सब जानवरों से ज्यादा खतरनाक है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे कानून के लिए छोड़ दो। कानून? कानून सबूत का मोहताज होता है, और सबूत तहकीकात का, और तहकीकात किसी वर्दी पहने हुए इंसान की अकल की मोहताज होती है। ये कानून उस दिन कहां था जिस दिन टांटिया भील ने मेरे घर में घुसकर मेरी मासूम बहन का खून कर डाला? मैंने अपनी बहन की जलती हुई चिता पे कसम खाई थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, बदले की भावना के जोश को भी वाजिब करार देता हूं, लेकिन फिर भी मेरा बस चलता तो मैं उस जेलर को भी जान से मार डालता जिसकी जेल से टांटिया भील भागने में कामयाब हो गया। मेरा नाम विजय सक्सेना है, एक्स जेलर सेंट्रल जेल, जिसकी जेल से टाटिया भाग गया। मैं जानता था कि यह मालूम होते ही तुम गोली चलाने से चूकोगे नहीं, इसलिए मैंने पहले से इसमें नकली गोलियां भर दी थीं। पिस्तौल के वजन से मैं जान गया था कि इसमें नकली गोलियां हैं, वरना मैं किसी नहते पे गोली नहीं चलाता। जेलर, अब अगर मेरी गोली चलेगी तो सिर्फ टांटिया भील के सीने के पार होगी, समझे? गोली नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने भी कसम खाई है जैसे भी हो मैं टांटिया भील को जिंदा पकड़कर उसी जेल में वापस ले जाऊंगा। इस दुनिया में अब टांटिया किसी को जिंदा नहीं मिल सकता जेलर, सिर्फ मुझे मिलेगा, बाकी सबको उसकी लाश मिलेगी। जब दो कसमें आपस में टकराती हैं तो फैसला कौन करता है? फैसला पिस्तौल की गोली करेगी, और पिस्तौल तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी। मैं तो गोली चलाऊंगा नहीं। और मैं चलाने से चुकूंगा नहीं। अगर टांटिया और तुम्हारी गोली के बीच मैं आ गया तो फिर दो गोलियां चलेंगी। फिर तुम्हारी हर गोली को पहले मेरी गोली से टकराना होगा। Thank you.
रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए तो कतरा कर आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी से कतराया भी तो नहीं जाता विजय बाबू। ये जानकर खुशी हुई गंगा कि मुझे सामने पाकर तुम रुक जाती हो। अगर आपको खुशी होती है तो जब तक चाहेंगे रुकी रहूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलिए। साथ चलने वाले को साथ ही कहते हैं ना। साथ किसे कहते हैं पता नहीं विजय बाबू, मेरा तो सिर्फ एक ही साथी है, अकेलापन। ऐसा क्यों गंगा? तुम चाहो तो गांव का हर जवान तुम्हारे कदमों में होगा। मैं तो हैरान हूं तुम अब तक अकेली क्यों हो, किसी ने तुम्हें सजाया क्यों नहीं, दुल्हन बनाया क्यों नहीं, शहनाई ने तुम्हारे माँ बाप भाई बहनों को रुलाया क्यों नहीं, किसी ने तुम्हें डोली में बिठाया क्यों नहीं? क्या बात है विजय, ये गंगा अचानक भाग क्यों गई? समझ में नहीं आया माँ जी, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि तुझे आज तक किसी ने दुल्हन क्यों नहीं बनाया, तेरी डोली क्यों नहीं उठी, तो यही तुमने भूल की बेटे। गंगा के मन में ये बात तूफान उठा देती है और कई दिनों तक उसकी आंखें बहती रहती हैं। क्यों माँ जी? गंगा दुल्हन बनी थी, उसकी डोली भी उठी थी, लेकिन वो डोली किसी के घर के दरवाजे तक नहीं पहुंची। दुल्हन का घूंघट तो उठा, लेकिन घूंघट उठाने वाला उसका दूल्हा नहीं था। तो फिर कौन था? कुछ ऐसे जानवर जिन्हें कानून डाकू कहता है। जब डोली लेकर जाती हुई बारात पर उन कसाईयों ने हमला किया तो सभी लोग भाग गए, बाराती भी दूल्हा भी। बेचारी जेवरों से लदी हुई मासूम दुल्हन मेहंदी लगे पांव से भाग भी नहीं सके, और उन डाकुओं को एक सजा सजाया जिस्म मिल गया, बेचारे का सब कुछ लूट गया। जब किसी ने उसे नहीं अपनाया तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया ताकि दो वक्त की रोटी इज्जत से मिले। माँ जी, कौन कहता है दुख बांटे नहीं जाते, कुछ आपने बांटे हैं कुछ मैं बांटूंगा। गंगा, जिन आंसुओं में सागर से ज्यादा गहराई है उन्हें बहने से रोक लो गंगा। मैं जानता नहीं था, अनजाने में वो बात कह गया जो नहीं कहनी चाहिए थी। गंगा, वो दुर्घटना जिसने तुम्हें लूटा था उसकी यादों को मिटाने के लिए मैं अपना दामन पेश करना चाहता हूं। ये सर जो जमाने के सामने शर्म से झुक गया है उसे दोबारा फख्र से उठने का कारण देना चाहता हूं। मैं वो मंजिल बनना चाहता हूं गंगा जहां पहुंचकर शायद तुम्हें वो सब तो ना मिले जो खो गया है, लेकिन जो मिलेगा वो सदा के लिए तुम्हारा होगा। अपनेपन से भरा हुआ मन लेकर मैं तुम्हें अपना कहना चाहता हूं। देवताओं के स्वर्ग में जो ना मिले उस सुख उस खुशी उस प्यार से मैं तुम्हारी मांग भर देना चाहता हूं। जमाना जिसे माने उस आबरू की डोली, दुनिया जिसे कबूल करे उस इज्जत की सेज, धरती और आसमान मिलकर जिसकी हद न बन सके वो प्यार तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कारण है और तुम्हारा है।
वैसी थी, वैसी थी, से ज्यादा अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूं वैसे करो। चुपचाप अपने अपने हाथ ऊपर कर लो और अपनी जगह से हिलना मत। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता, मुझे सिर्फ माल चाहिए, माल।
सक्सेना, मुझसे दुश्मनी मोल लेकर मेरे इलाके में घूम रहे हो तुम? घूम नहीं रहा टाटिया, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। डाकुओं की रामायण में ढूंढना नाम मौत का है। जो डाकू को ढूंढे वो भी मरा, और जिसे डाकू ढूंढे वो भी मरा। ये खेल कब तक खेलते रहोगे टाटिया? मौत तो एक दिन तुझे भी आएगी। वो दिन अभी नहीं आया जेलर, जब आएगा तो मैं खबर कर दूंगा। चले आना, देख लेना एक शेर को मरते हुए। अब जाओ, जाओ। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा टाटिया। जिसे जेल की दीवारें रोक नहीं सकती, हथकड़ियां बेड़ियां बांध नहीं सकती, जिसे मौत डरा नहीं सकती, उसे तुम अपने साथ कैसे ले जाओगे जेलर? हाथों में ये बांध कर। डांटिया, जब से जेलर की नौकरी गई है सर फिर गया बेचारे का। नई जगह सर नहीं फिरा, इसके दिन फिर गए। अगर मैंने तुझे जिंदा पकड़ने की कसम न खाई होती टांटिया, अब तक इस जंगल में तेरी लाश पे चीले मंडला रही होती। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ जेलर, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो इनाम सरकार ने मेरे सर पर रखा है वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो बाद में देखा जाएगा टांटिया, लेकिन तुम्हारी किस्मत का फैसला आज और इसी वक्त होगा। नहीं जग्गा, इसे इतनी आसान मौत मत दे, इसे तो तड़प तड़प कर मरने दे, ताकि इसकी रूह भी मेरे नाम से कांपती रहे। साहब बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर ये चमगादड़ की तरह लटकना ही था तो कोई पुरानी हवेली ढूंढ ली होती, यहां जंगल में आने की क्या जरूरत थी? अरे यार तुम बोलते क्यों नहीं? रस्सी तंग है ना? मैं समझता हूं तुम शायद टांटिया भील के इंतजार में तपस्या कर रहे हो। करो 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 करो, मैं तुम्हारे इस रंग में बिल्कुल भंग नहीं डालूंगा। मैं चलूं? अरे ये क्या, तुम तो हमसे खामखा नाराज हो गए। अच्छा अगर जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। Bye.
बनाया खेरा वालिए, मैं आया खेरा वालिए। गले लगाया खेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया खेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया खेरा वालिए। मुझे आशीर्वाद दे दे माँ। माँ ने तुझे मौत का आशीर्वाद दे दिया है टांटिया। फेस बदल के तू दुनिया को धोखा दे सकता है, मौत को नहीं। अगर तुम मेरी मौत हो अजनबी, तो मैं टांटिया नहीं हूं, और अगर मैं टाटिया हूं तो फिर अपनी मौत की बात करो। बात नहीं टाटिया, फैसला होगा। इसे पहचानते हो? ये तुम्हें कहां से मिली? ये बाली जब तेरे कान से गिरी थी, उस वक्त तू मेरी बहन की जान ले रहा था। आज मैं तुझे जान से मारने के बाद ये बाली तेरे कान में पहनाऊंगा। मुझे जान से मारने की धमकी देने वाले मेरे इलाके से जिंदा नहीं जाते, मर जाते। मैं इस पवित्र मंदिर को तेरे खून से गंदा नहीं करना चाहता। बाहर चल। तेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ ये मंदिर की सीढ़ियां बाकी हैं। जब तेरा पैर जमीन को छुएगा, वही तेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा।
शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम सब बंदूक उठाने के काबिल नहीं हो। जग्गा, उस हरामजादे ने मुझ पर गोली चलाई और तुमने उसके हाथ पे गोली मारी, जान से क्यों नहीं मारा उसे? टांटिया, मैंने सोचा कि मंदिर में खून खराबा नहीं चलेगा। आज सारे इलाके में टांटिया की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उन लोगों के दिलों में टांटिया के लिए डर होना चाहिए और उस डर को जिंदा रखने के लिए उन दोनों को मारना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर तुम उन्हें यहां लेके आओगे। ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूं जग्गा। विजय बाबू, क्या हुआ? टाटिया भील, टाटिया भील कहाँ? रामगढ़ के जंगल में, एक साथ बहुत भयंकर है वो लोग। जल्दी चलिए, हम अपनी आंखों से देखे। विजय बाबू मत जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बाई आंख बड़े जोर से फड़क रही है, आज मेरा कहना मान लीजिए। मत जाइए विजय बाबू, मत जाइए। मैं रुक नहीं सकता गंगा, मुझे जाना ही होगा। मैं आइंदा आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज मेरा कहना मान लीजिए। आज मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता गंगा, ये मौका मैं खो नहीं सकता, जाने दो मेरे मुझे। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मेरी आत्मा कह रही है खतरा है, मत चाहिए विजय बाबू। गंगा, मुझे शक्ति दो, मेरी कमजोरी मत बनो। बेल्ट के साथ चाहते हो? सवाल नहीं, हमारे साथ चलो। क्यों? जिसकी तलाश में तुम दिन रात जंगलों में फिर रहे हो, उसके लिए। कौन है वो? टांटिया भील। जब तक मैंने तुम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, तुम ये समझ रहे थे कि तुम मेरी मौत हो, और तुम मेरी उम्र कैद का परवाना लिए घूम रहे थे। लेकिन जिस वक्त मेरे आदमियों ने तुम्हें देखा, इतनी आसानी से गिरफ्तार कर लिया, जिस तरह बाग में जाकर कोई बच्चे तितलियां पकड़ के ले आते, तुम अपने घर से कसम खा के चले थे कि मुझे मारोगे, अपनी बहन की मौत का बदला लोगे। अगर किसी एक का बदला मौत हो
तो ना जाने टांटिया कितनी बार मर चुका होता। लेकिन टांटिया जैसे लोग नहीं मरते, मरते हैं वो लोग जो टांटिया को मारने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम लोग मरने वाले हो। हराम ज़ादे, अगर मर्द का बच्चा है तो पहले मेरे हाथ खोल और फिर देखते हैं कि कौन जीता है और कौन मरता है। मैं मर्द नहीं हूं शंकर, मर्दानगी की मिसाल हूं मैं। और फिर बदला तो तुम्हें लेना है, मुझे नहीं। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर में तुम दोनों की तकदीरें बदलने वाला हूं। और तुम जाने क्यों, तुम्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। अरे भाई, टाटिया जेल से अगर भाग गया था उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें अपनी जान से जरा भी प्यार नहीं है क्या? मुझे अपनी जान से ज्यादा अपना ईमान प्यारा है टाटिया, जिसे तुम जैसा बुजदिल कभी तोड़ नहीं सकता। अभी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि टांटिया के पीछे पड़ना पादरी का सबूत है या बहुत बड़ी बेवकूफी का, और इस बेवकूफी की सजा तुम दोनों को मिलेगी। मंगल सिंह, निहाल सिंह, मैं इस ग्लास को खत्म करके हवा में फेंकूंगा। जैसे ही ये ग्लास जमीन पर गिर के टूटेगा, गोलियां चलेंगी, तुम्हारे जिस्म के पार हो जाएंगे। टांटिया, ये तो बड़ी आसान मौत हुई। इधर गोलियां चली और उधर ये दोनों मर गए। ना दर्द ना तकलीफ। बापू, इन दोनों हरामजादों को तो ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि लोग टांटिया के नाम से कांप उठे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे जो मस्तान घोड़े हैं, जिन पर आज तक कोई नहीं बैठ सका, इन दोनों को उनके साथ बांधकर पथरीले इलाके में छोड़ देना चाहिए। घोड़ों की वर्जिश हो जाएगी। हाँ, अच्छा। ये क्या किया आपने? ये तो अभी जिंदा है। अबे उल्लू के पट्टे, अगर ये मर जाएंगे तो टांटिया को कौन मारेगा? और अगर टांटिया ना मरा तो मैं सरदार कैसे बनूंगा? टांटिया फिल को जिंदा पकड़कर वापस ले जाना। इस एक बात को छोड़कर किसी और बात के लिए जगह है आपके दिल में? भगवान ना करे कभी आपको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। विजय बेटे, ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? नहीं, मैं ठीक हूँ माँ जी। बिल्कुल ठीक है हूँ। तुमने मुझे माँ कहा है ना, तो फिर माँ की बात भी माननी चाहिए। वचन दो मुझे कि आइंदा कोई ऐसा जोखिम नहीं उठाओगे। मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। माँ जी, अगर मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा तो कोई और डालेगा, और वो भी तो किसी का बेटा होगा। हर माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए दर्द होता है। मुझे यकीन है कि आइंदा तुम मेरा दिल नहीं दुखाओगे। माँ जी, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये लड़ाई मान और ईमान की है। इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, मैं नहीं रुकूंगा। शंकर, जब तक फैसला नहीं हो जाता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। किस बात का फैसला? तुम्हारी और मेरी बात का। देखो शालू, तुम्हारा इस तरह मेरे रास्ते में आना ठीक नहीं। मंसिल का पता बता दो
फिर कभी नहीं आऊंगी। मेरा जाना जरूरी है, मैं रुक नहीं सकता। जाना है तो जाओ, पर इतना तो बताओ लौटोगे कब? जिस इंसान के इरादे किसी एक मकसद पे बंधे हुए हो, उससे लौटने का वक्त पूछना ठीक नहीं। और जिसकी सारी शक्ति किसी एक के इंतजार में कट गई हो, क्या उसे इस तरह निराश छोड़कर जाना ठीक है? शंकर, क्यों मुझे बेकार परेशान कर रहे हो शालू? इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त कहाँ मांगा है मैंने? मेरी मांग तो क्या है तुम्हारी मांग? मेरी आंखों में देखो, मुझे समझने की कोशिश करो, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। किस बात की तकलीफ है तुम्हें? यही तो मुझसे कहा नहीं जा रहा। जब कह पाओगे तब सुन लूंगा, अब मुझे जाने दो।
भगवान भला करे। पूजा से परलोक सुधारने में लगी हो चाची, कुछ इस लोक की भी खबर है। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी लाडली बीच बाजार गांव की इज्जत से खिलवाड़ कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानता था चाची कि तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी बेहया बेटी की देखा देखी गांव की दूसरी बहु बेटियां भी खराब हो सकती हैं। किसने क्या देखा है? मैंने देखा है। मैंने भी देखा है। क्या देखा है? मैं तो ऐसी बेशर्मी की बात नहीं बता पाऊंगा। शक्ति तुम ही बता दो। वो शंकर जो काफी दिनों से इस गांव के बाहर डेरा लगा के बैठा है, तुम्हारी बेटी शालू को हमने उसके गले में बाहें डाले हंसते हुए देखा है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सिक्का अपना खोटा है और दोष परखने वालों को दिया जा रहा है। चाची टांगे तोड़कर खूंटी से बांधो बचिया को, नहीं तो तुम कौन होते हो मेरी बेटी के बारे में गंद उछालने वाले? मैं तो कोई नहीं होता चाची, ये तो गांव वालों ने मुझे मजबूर किया कि आपसे आके बात करूं। क्यों गांव वालों, क्यों भाइयों, बोलते क्यों नहीं? खामोश। तुम लोग इस कमीने की बातों में आ गए? अरे इसने तो कसम खाकर भी कभी सच नहीं बोला। ये इंसान के रूप में भेड़िया है। जाहिलो तुम लोग ये भी भूल गए कि इस गांव की बहु बेटियों की मैं माँ हूं। माँ माँ हो इसलिए तो मैं कहता हूं कि बात बिगड़ जाएगी, इससे पहले हाथ पीले कर दो उसके। गांव की आबरू बचाने के लिए मैं उसका हाथ थाम लेता हूं। कमीने, तेरी ये मजाल, तेरी ये हिम्मत बुढ़िया। रामजादे, इज्जत का नाटक करते हो और बुजुर्गों से किस तरह बात करनी चाहिए इसकी तमीज नहीं रखते? तुम कौन होते हो इनके? मैं इनका कौन होता हूं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो और पहचानते भी हो। इस देवी का नमक खाने वालों को भड़काकर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। गांव वालों, मैं तुम्हारे इस नमक हराम ठाकुर को भी जानता हूँ और इस देवी को भी जानता हूँ। गांव की इज्जत के मामले में हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारे बाप को भी सुननी पड़ेगी। तुम्हारी क्या लगती है ये माँ बेटी? ये मेरी माँ है, कान खोल के सुन लो। मेरी बहन पर कीचड़ उछालने वाले हर हाथ को काट कर फेंक देने की शक्ति है मुझ में। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। साधु और चोर की पहचान कुत्ते नहीं कर सकते। आप बताइए, जो कुछ इन तीनों ने देखा है आप में से किसी एक ने भी देखा है? बोलिए, बताइए, आप बताइए भानुका। नहीं विजय बाबू, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। कुछ दिन और जिंदा रहना चाहते हो तो आज के बाद मेरी माँ और बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं तुम्हारा गला काटूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं, वादा भी है। बेटे, आज तो ये बला टल गई, लेकिन कल अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वो अगर आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी है, और मेरी बहन को कुछ होने से पहले बहुतों को बहुत कुछ हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, घर जाइए। सारी जिंदगी तुम लोगों के आंसू पोछती रही हो, मेरे कारण रोकर मुझे दोषी ना ठहराओ।
मेरा विश्वास करो माँ, तुम्हारी नासों की तरह मैं भी पवित्र हूँ। बेटी, जिस बात का पता सबसे पहले मुझे लगना चाहिए था, उस बात की खबर मुझसे पहले सारी दुनिया को हो गई, इसलिए बात ओछी हो गई, सस्ती हो गई। कालक सच्ची हो या झूठी, धब्बा तो लग ही गया ना। बात इस हद तक पहुंची, उससे पहले उस कमीने ने बात का बतंगड़ बनाकर सारे गांव में ढंडोरा पीट दिया। मुझे तुम्हारे सर की कसम है माँ, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटी, तुम जवान हो और मैं एक जवान बेटी की माँ। बदनामी की आग जो कुछ जला देगी, ममता में वो ताकत नहीं कि उसे दोबारा बना सके। आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते, तेरा भाई होता। मेरा भाई? हाँ, तेरा भाई, मेरा परशोत्तम। लेकिन उसके बारे में कभी तुमने कुछ बताया ही नहीं। जब मुझे ही कुछ पता नहीं तो मैं तुझे क्या बताऊं बेटे। तो इसका मतलब है भैया भी पिताजी की तरह? ऐसा मत कहो बेटी, वो है, जरूर है, लेकिन मैं नहीं जानती वो कहाँ है। दुर्घटना बहुत साल पहले हुई थी, मगर उसका दर्द आज भी उतना ही है। वो आज एक दिन था, मेरे परशोत्तम का जन्मदिन। लो मिठाई खा। पुरुषोत्तम की माँ, ये लो, ये बालिया अपने हाथों से अपने लाडले के कानों में पहना दो। आज हमारे इस खानदान की पांचवी पीढ़ी का दीपक पूरे 5 साल का हो गया है। आज ये मेरी बालियां पहन रहा है, कल बड़ा होकर मेरे जूते पहनेगा। कैसा लगेगा मेरा लाडला बड़ा होकर? हूँ अरे भाई, दशरथ और कौशल्या का बेटा है, राम लगेगा भी, राम बनेगा भी। वनवास तो नहीं होगा ना? अरे जिस दशरथ ने राम को वनवास दिया था ना, उसकी तो बहुत सी रानियां थी, मेरी तो सिर्फ एक ही रानी है। शर्म की लाली आज तो पहली रात से भी ज्यादा गहरी है। कुछ काम है या नहीं? अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए चीज लेकर आऊं, याद आ गई। बसंती, ओ बसंती, बसंती। दशरथ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। गंदगी को पहचानने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती भैरव सिंह, दुर्गंध से ही उसका पता चल जाता है। तुम्हारी वजह से मुझे 6 साल जेल काटनी पड़ी, मेरे खिलाफ गवाही देकर आज तक कोई भी नामुराद जिंदा नहीं बच सका। 6 साल सजा काटकर भागे हो, पकड़े गए तो 6 साल और काटने पड़ेंगे। मुझे मारोगे तो फांसी चढ़ना पड़ेगा। फांसी का फंदा हो या पुलिस की गोली, जान तो एक ही जाएगी, लेकिन जब तक ये जान इस जिस्म में है, कितनी जानें ले सकती है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है दशरथ। दीवार पर टंगा हो या मुर्दा लोहा, तुम्हारी जान नहीं बचा सकेगा। इसे मैं अपने साथ लिए जा रहा हूं। आज के बाद तुम्हारे खानदान में कोई बंदूक चलाने वाला बाकी नहीं बचेगा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, तू जो चाहे ले ले, मगर मेरे सुहाग को बख्श दे, इनके भूल को माफ कर दे, इनके बदले में मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सच न कभी झुकता है न डरता है, सिर्फ मरता है, मरेगा आज झूठ के हाथ। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। अगर तुम्हें जान ही लेनी है तो मेरी जान ले लो, मगर इन्हें छोड़ दो। मैं मानती हूँ इन्होंने तुम्हारे खिलाफ सच्ची गवाही देकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। मैंने भी इस कमीने से यही कहा था, अगर सच्ची बोलना है तो कचहरी के बाहर बोल, अंदर क्यों बोलता है? वो इनकी भूल थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे तरस खाओ। तेरे तो सिर्फ 6 साल गए हैं, लेकिन मेरे बच्चों की तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो यतीम हो जाएंगे। ठाकुरों के बच्चे किसी अपने के मरने से यतीम नहीं होते कौशल्या, वो उस दिन यतीम हो जाते हैं जिस दिन उनके खानदान का वकार मर जाता है। कौशल्या, तुम जाओ यहां से। हेरो सिंह, चलाओ गोली। नहीं, हट जाओ कौशल्या। मैं नहीं हटूं कौशल्या, जाओ यहां से। आ, 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 आ,
कमीने कुत्ते, कौशल्या, कौशल मेरी मांग का सिंदूर मिट गया, मेरी चूड़ियों की खनक मर गई और मैं देखती रह गई वो राक्षस भैरव सिंह तेरे पिताजी को मारकर मेरे परशोत्तम को लेकर कहां चला गया कुछ पता नहीं। अपने दुखों को औलाद से छुपा के रखना क्या ही ममता की मांग थी? नहीं, ये बात नहीं बेटी, मरने पर भी जिस जख्म का दर्द कम नहीं होता, जागने पर भी जो ख्वाब नहीं टूटता, उसके जिक्र से आत्मा डरने लगती है। उस दुर्घटना का हर पल आंखों के सामने बसा हुआ है। उसे सह तो गई लेकिन किसी से कह न सकी, मगर आज के हादसे ने मुझे यकीन दिला दिया कि अब तुम बड़ी हो गई हो। यही सोचकर कह सकी कि अब तुम सह सकोगी। जो लड़की भाई और पिता के बिना पली हो वो कमजोर नहीं होती माँ, कठोर होती है। अब इस कठोर लड़की का पिता भी मैं हूं, भाई भी मैं हूं। माँ का फर्ज था पालना, वो तो मैंने पूरा कर दिया। अब पिता और भाई का फर्ज है रिश्ते की बात करना, वो भी मैं करने जा रही हूं। जिसे तुम चाहती हो उसे पा सको यही करना होगा ना मुझे। माँ जी आप आइए, आइए। आप क्यों चली आई, मुझे बुला लिया होता। कुछ बात ही ऐसी थी जिसके लिए मेरा ही आना जरूरी था। ऐसी क्या बात थी? कुछ गांव वालों की बातों ने, कुछ बेटी की उम्र ने, और कुछ इस भरोसे ने कि तुम अपने हो, मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। मैं समझा नहीं। मैं अपनी शालू का रिश्ता पक्का करने के लिए तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूं। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इस वक्त मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो क्यों? जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा कौन सा काम है बेटे? ये बात मुझसे ना पूछे माँ जी तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या, मुझे माँ भी कह रहे हो और दिल की बात भी छुपा रहे हो? दिल की बात कहने से बोझ हल्का हो जाता है बेटे। ये बाली देख रही हैं आप, ये बाली मेरी बहन के कातिल टांटिया फील की है, जिसने मेरी मासूम बहन को जान से मार डाला। और मैंने कसम खाई है कि जब तक ये बाली उसके कान में पहना के उसकी चिता अपने हाथों से नहीं जला दूं, मैं चैन से नहीं जीऊंगा। Thank you.
क्या बात है माँ? शंकर से कुछ ऊंची नीची बात हो गई? बात बात हुई कहाँ बेटी? वो बोल रहा था, मैं सुन रही थी। वो खामोश हो गया और मैं उठकर चली आई। क्या कहा उसने, मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं बेटी, कहानी है बदनसीबी की, किस्सा है फूटी हुई तकदीर का। लिखने वाला लिखकर सो गया, पढ़ने वाले ने पढ़कर सुना दिया। अब शायद शायद भुगतना तुझे और मुझे है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं माँ, लेकिन बताओ तो क्या हुआ? शंकर ने कसम खाई है, जब तक टांटिया बिल को जान से नहीं मार डालेगा शादी नहीं करेगा। क्यों माँ? क्योंकि टांटिया बिल ने उसकी बहन की जान ली थी। तो उसने अपने दुश्मन के खून से मेरी मांग भरने का फैसला किया है। मैं शंकर से जरूर पूछूंगी कि उसने अपनी बहन का राज मुझसे क्यों छुपाए रखा। शंकर की बहन की मौत और तेरे भाई का खो जाना, ये दोनों रिश्ते आपस में इस तरह जुड़े हुए थे जैसे ज्वालामुखी की ज्वाला धरती से जुड़कर पहाड़ के रूप में छुपी हुई हो। मेरे लिए ज्वालामुखी फट चुका है। अब उसे मत पूछना बेटी कि शंकर और मेरे सीने में छुपे हुए राज का क्या रिश्ता है। मां सच्चाई अगर मौत है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर भगवान के लिए बताओ बात क्या है। बात यह है बेटी कि शंकर की बहन का कातिल टांटिया भील मेरा अपना बेटा है। नहीं हो सकता माँ, ये तो भी नहीं हो सकता। ये सच है बेटी, न जाने कितने खून किए हैं उसने, कितने बच्चों को यतीम किया है, कितनी मांगों का सिंदूर मिटाया है उसने। ये सच नहीं माँ, तुम्हारा खून ये सब नहीं कर सकता। बचपन का खून कच्चा होता है बेटी, अगर उसे ममता का सहारा ना मिले तो बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। क्या शंकर जानता है वो जिसके खून का प्यासा है वो मेरा भाई है? नहीं, ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम। अगर इस इलाके में किसी को पता चल गया कि टांटिया से हमारा कोई रिश्ता है तो हमें जान से मार डालेंगे, उसके गुनाहों का बदला हमसे लेंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन तुझे अगर कुछ हो गया तो मैं कहीं के नहीं रहूंगी। तुझे मेरी सौगंध है बेटी, ये किसी से मत कहना कि टांटिया मेरा बेटा और तुम्हारा भाई है, शंकर से भी नहीं। अगर तुम सच को मुझसे छुपा सकती हो माँ, तो क्या मैं दुनिया वालों से नहीं छुपा सकती? गोली पिस्तौल, तुम्हारी दुनिया में और कुछ है? है। क्या? टांटिया भील की मौत। तुम क्यों उसकी हत्या करना चाहते हो? उसके की सजा भगवान खुद उसे दे देंगे। ये हथियारों की दलील है शालू, कलयुग में इंसान भगवान की भी हत्या कर चुका है, वरना ये हथियारे डाकू मासूम बच्चों के खून से होली न खेल सकते। ये डाकू भी तो कभी बच्चे होंगे, इन्हें किसने डाकू बनाया ये कभी सोचा तुमने? मैं समाज सेवक नहीं हूं शालू, एक ऐसी बहन का बदनसीब भाई हूं जो एक दरिंदे के हाथों बेमौत मारी गई। हो सकता है उस दरिंदे की भी कोई बदनसीब बहन हो जो अपने भाई के पापों का प्राश्चित करने के लिए तैयार हो। वो उसके पापों का प्राश्चित सिर्फ उसकी हत्या से कर सकती है, लेकिन तुम्हें एक हथियारे से अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। शालू, तुम्हें अपने प्यार की शक्ति पर भरोसा है ना? हाँ है। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो शंकर? ये काम तुम कानून के लिए छोड़ दो। कानून? जब तक मैं कानून का इंतजार करूंगा ये दरिंदा ना जाने कितने घर बर्बाद कर चुका होगा।
इसे सजा मैं दूंगा, सिर्फ मैं। और उस दिन का तुम्हें इंतजार करना होगा शालू। क्या तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत दिनों से सोच रहा था, आज मौका मिला, हमने सोचा कि हम भी तुम्हारे साथ नहा ही ले। छोड़ मेरे कपड़े और दफा हो जाए यहाँ से, तू जानता है कि मैं कौन हूँ। हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू एक रखेल है और रखेल से कोई भी खेल सकता है। पको मत, टांटिया को तेरी इस बात का पता चल गया तो बोटी बोटी नोच के कुत्तों को खिला देगा। खेल गएगी? दो टके की रखेल और 100 रुपए की जबान। जानती नहीं टांटिया मेरा भाई है, और कान खोल कर सुन ले, किसी ने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की है ना तो टांटिया ने उसकी जबान काट दी है। अगर तुझे मेरे पे विश्वास नहीं तो तू भी उसे मेरे खिलाफ बोल के देख लेना। लेकिन औरत कभी भी अपने सुहाग से झूठ नहीं बोलेगी। अगर मेरी बात की यकीन नहीं है तो खुद जग्गा से पूछ लो। जिन दो आदमियों को आपने मारने के लिए कहा था वो अब तक जिंदा हैं और सही सलामत हैं। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मुझे गोली से उड़ा देना। कलिया, मेरी रगों में उस शेर का खून दौड़ रहा है जिसकी आवाज 20 साल से इन चंबल की वादियों में गूंज रही है। लेकिन जग्गा, आज के बाद तेरी आवाज यहां सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि तूने अपने ग्रोह के साथ गद्दारी की है। कैसी गद्दारी? तूने उस जेलर और उस शिकारी कुत्ते को आजाद कर दिया। आजाद कर दिया तो क्या हुआ? जग्गा, तुमने अपने ग्रोह के साथ गद्दारी की है। तू मेरा बेटा है तो क्या हुआ? तुमको भी वही सजा मिलेगी जो औरों को मिलती रही है। सुन लिया तूने जग्गा? यह है उस शेर की आवाज जो 20 साल से चंबल की वादियों में गूंज रही है। हमारी अदालत ने तुझे मौत का फैसला सुना दिया। गुंगा, ये लो टाटिया, कबीले के उसूलों के मुताबिक यह रस्म पूरी करो। पहली गोली की आवाज सुनकर तू भागेगा, उसके बाद बापू 10 तक गिनेगा, फिर दूसरी गोली चलेगी, आगे तेरी किस्मत। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। कोई आदमी अपनी मौत से भाग नहीं सकता बापू, लेकिन खतरों से बेखबर रहकर हम अपनी मौत को दावत क्यों दें? क्या मतलब? मतलब ये कि उस शिकारी के साथ साथ हमें उस जेलों को भी हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगली मुलाकात में यह भी हो जाएगा। अगली मुलाकात का इंतजार क्यों? शिकारी की महबूबा और उसकी मां को उठवा लो, फिर देखो दोनों के दोनों तुम्हारे कदमों पर नाक रगड़ते हुए ना आए तो मेरा नाम ठाकुर शक्ति सिंह नहीं। ख्याल अच्छा है। Thank you.
गया। मेरी मौत का सौदा करने वालों को अपने कदमों में झुकाने के लिए मोहरे हो तुम लोग। एक माँ के लिए आएगा, दूसरा माशूक के लिए। कितना खूबसूरत नजारा होगा। आशिक, लाचार, बेबस, मजबूर और माशूक, टाटिया के गले का हार। नीच कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे मुंह में। अपनी बहन के लिए ऐसी बेहुदा बातें करते हो। बकवास बंद कर बुढ़िया। ये बहन भाई का नाटक किसी और के सामने करना, आज के दिन इसके आशिक की जान और इस गुड़िया की इज्जत को टाटिया से कोई नहीं बचा सकता। रुक क्यों गया? मार, मारता क्यों नहीं? अपनी बहन के लिए इतनी गंदी बातें कर सकता है तो ले, माँ के खून से भी अपने हाथ रंग ले। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमें कहना चाहिए, शालू को कहना चाहिए कि तू उसका भाई नहीं हो सकता। मुझे कहना चाहिए कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। मगर सच को कब तक छुपाएगा? तूने जन्म लिया है, तू भूल सकता है। मैंने जन्म दिया है, मैं कैसे भूल जाऊं? यही है वो शैतान। इसी ने तेरे बापू की हत्या की थी और तुझे उठाकर ले गया था, और तेरे बापू से बदला लेने के लिए तुझे डाकू बनाया। याद कर बेटे, याद कर, याद कर, याद कर बेटे। बीस साल तक बाप का अवतार बनकर तूने मुझसे अपनी पूजा करवाई। मेरे पिता से यह तेरा बदला था। अब मैं तेरी मौत बनकर तुझे जिंदगी की भीख मंगवाऊंगा। जितना जहर तूने मुझे इतने बरसों तक पिला पिला के शैतान बनाया, उतने ही टुकड़े मैं तेरे जिस्म के करूंगा, और ये तुझसे मेरा बदला होगा। जग्गा तू? जग्गा मर गया, ये समझ लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी टाटिया। मैं जिंदा हूं और अकेला भी नहीं। उत्तम सिंह, सुरजन सिंह, मुल्तान सिंह, राठौर, इन सब सरदारों का सरदार हूं मैं आज। और तुम, तुम्हारे पास क्या बचा है? जज्बात से भरा हुआ एक दिल, पछतावे की आग में सुलगती हुई एक आत्मा। साथियों, ये टाटिया भील जो कल तक तुम्हारा सरदार था, आज पत्थर से मोम बन चुका है। इसका साथ देकर तुम्हें क्या मिलेगा? मौत, मौत के सिवा कुछ नहीं। मेरे पास आओ, धन दौलत की हवस, इंसानी लहू की प्यास, दोनों जिंदा है अभी तक मुझ में, जवान है। आ जाओ। पकड़ लो इन तीनों को और बांधो। खबरदार, किसी एक ने हिलने की कोशिश की, मैं चीर के रख दूंगा उसे। वाह जगा वाह, क्या मैदान मारा है। वक्त बादशाह है और आज के बादशाह हम दोनों हैं। ठाकुर शक्ति सिंह, इसके अलावा हम तुम्हारे लिए कुछ और करना चाहते हैं। तुम्हें ये गुड़िया बहुत पसंद है ना? बहुत। तो आज इस खुशी के मौके पर हम ये गुड़िया तुम्हें पेश करते हैं। छोड़ दे कमीने। हाँ तो टाटिया, तुम अपने उस्ताद और मेरे बापू को गोली मारने जा रहे थे, पर हालात ने कैसा रुख बदल दिया, अब मेरे बापू तुझे गोली मारेंगे। हेलो बापू। बापू, तुम तो इस अड्डे के रीति रिवाजों को ही भूल गए हो, जहां हर मौत से पहले एक खिलवाड़ हुआ करता था।
हाँ तो टांटिया याद आया, मैं इस गिलास को खत्म करके हवा में उछालूंगा और जैसे ही यह गिलास जमीन को छुएगा मेरे बापू की गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। तुम्हारी गोली चलने से पहले मेरी गोली चलेगी। खोल दो इसे। जेलर, मेरे और टांटिया के बीच से हट जाओ। नहीं शंकर, तुम इसे नहीं मार सकते। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे एक दिन कहा था कि अगर मेरे और टांटिया के बीच कोई आएगा तो दो गोलियां चलेंगी। और तुम्हें याद होगा शंकर, मैंने भी कहा था तुम्हारी हर गोली को पहले मेरी गोली से टकराना होगा। तो जगह को छोड़ दे वरना इसके बेटे में पिस्तौल की सारी गोलियां ताक दूंगा। तुम पहले शालू को छोड़ो। Thank you.
माँ, माँ किसने हम लोगों के साथ कितना अजीब खेल खेला माँ। अगर किस्मत साथ देती तो आज तेरा बेटा भी विजय होता, शंकर होता माँ। शालू मेरी बहन, मुझे भाई कहते हुए तुझे शर्म आती है ना, मगर मैं क्या करता बहन। क्या तू अपने भाई को माफ नहीं करेगी बहन? बस एक बार भैया बोल के पुकार दे बहन, एक बार भैया। माँ, माँ ये चंदन मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली माँ, मेरे बच्चे की, तो उस बच्चे को वैसे पालना माँ जैसे अगर मैं तेरे पास होता तो तू मुझे पालती और उसको पाल पोस कर एक बहुत बड़ा आदमी बना। इन दोनों जैसे माँ, और माँ माँ उसका नाम क्या रखेगी मालूम? वहां उसका नाम रखना विजय, शंकर रखेगी ना माँ? विजय भैया।